यथार्थ गीता। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह पुरुष भी जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। खतरे को देखते ही कछुआ अपने सिर और पैर को जिस तरह समेट लेता है, ठीक इसी प्रकार जो पुरुष विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को सब ओर से समेट कर हृदय देश में रुकावट कर लेते हैं, उस काल में उस पुरुष की बुद्धि स्थिर होती है। यह तो एक दृष्टांत मात्र है। खतरे का एहसास मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला देता है। क्या इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ महापुरुष भी विषयों में रस लेने लगते हैं? इंद्रियों द्वारा विषय को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के विषय तो निर्वृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे ग्रहण ही नहीं करते, किंतु उनका राग निर्वृत्त नहीं होता, आसक्ति लगी रहती है। संपूर्ण इंद्रियों को विषयों से समेटने वाले निष्काम कर्मी का राग परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार करने निर्वृत्त हो जाता है। धन्यवाद।